हे हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है राहुल मुबारकपुरी। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी एक नई दुनिया से। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर सेट करके ऑल वाले ऑप्शन पर सेट कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आपको दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जो आज किसी पर्चे की मोहताज नहीं है। उस कंपनी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि बंटवारे के साथ, बंटवारे का नाम मैं ले रहा हूं, आप समझ गए होंगे कि मैं किस बंटवारे की बात कर रहा हूं, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का गहरा नाता है। वो कैसे है आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के 70 साल पूरे होने पर हम एक खास सीरीज़ के ज़रिए आपको दोनों देशों के दिलचस्प किस्से बता रहे हैं। इसी कड़ी में पेश है महिंद्रा और मोहम्मद का यह किस्सा। महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत की बड़ी कंपनियों में से एक है। ये भारत की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी है। आज इसका कारोबार अरबों डॉलर में है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कभी इस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद था? जी हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की शुरुआत जब हुई तो इसका नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद था। इसका देश के बंटवारे से गहरा ताल्लुक है। बंटवारे का इस कंपनी पर ऐसा असर पड़ा कि इसका नाम तक बदल दिया गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की शुरुआत 1945 में हुई थी। इसे केसी महिंद्रा, जेसी महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद ने लुधियाना में शुरू किया था। शुरुआत में कंपनी स्टील का कारोबार करती थी। कंपनी के चेयरमैन केशव महिंद्रा बताते हैं कि केसी महिंद्रा और जेसी महिंद्रा ने मलिक गुलाम मोहम्मद को इसलिए कंपनी में साझेदार बनाया था ताकि वो हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दे सकें। गुलाम मोहम्मद कि कंपनी में छोटी सी हिस्सेदारी थी मगर उनका नाम कंपनी के साथ जुड़ा था। केशव महिंद्रा बताते हैं कि बंटवारे से पहले जब पाकिस्तान की मांग ने जोर पकड़ा तब भी गुलाम मोहम्मद और महिंद्रा परिवार की दोस्ती बरकरार रही, साझा कारोबार चलता रहा। जब अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो दो हिस्सों में बंट चुका था। मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए, वो पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री बनाए गए थे। देश का बंटवारा हुआ तो कारोबार का भी होना था। 1948 में महिंद्रा एंड मोहम्मद का नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया गया क्योंकि अब गुलाम मोहम्मद इस कंपनी के साझेदार नहीं रह गए थे। हालांकि दोनों परिवारों के बीच रिश्ता बंटवारे के बाद भी बना रहा लेकिन कारोबारी ताल्लुक ख़त्म हो गए। केशव महिंद्रा कहते हैं कि जब मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान गए तो उनके परिवार को सदमा लगा था। उन्हें इस बात का दुख था कि गुलाम मोहम्मद ने अपने इरादों के बारे में कभी भी महिंद्रा परिवार को नहीं बताया था। 1951 में मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनाए गए। केशव महिंद्रा बताते हैं कि गवर्नर जनरल बनने के बाद भी मलिक गुलाम मोहम्मद महिंद्रा परिवार से पुराने रिश्ते को नहीं भूले। 1955 में गुलाम मोहम्मद राजपथ पर हुई गणतंत्र दिवस की पहली परेड के मुख्य अतिथि थे। केशव महिंद्रा बताते हैं कि जब गुलाम मोहम्मद दिल्ली आए तो उन्हें अपना फ़ोन उनकी दादी को दिया। इस तरह दोस्ती का रिश्ता अगली पीढ़ी तक चलता रहा। आज की तारीख में महिंद्रा एंड महिंद्रा 15 अरब डॉलर की कंपनी है। केशव महिंद्रा कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की संस्कृति साझी है, दोनों देशों के लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं मगर इसका अब सियासी रिश्तों पर भी असर दिखने लगा है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आरा भी हौसला बढ़ सके और हम आपके लिए इसी तरीके से लेटेस्ट वीडियोस लेकर आते रहें और आपका ज्ञानवर्धन करते रहें। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शन पर सेट कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू। मिलते हैं एक नई वीडियो में।